बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तुम सादान तैमूर हो? वही वाले सादान तैमूर जो ग्लोबल फोटोग्राफी कंपटीशन का विनर था? हाँ वही। तो तुमने, मेरा मतलब है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने कभी पूछा ही नहीं। कोमल के लिए तो मैं कहती ही रह गई, कितना अच्छा होता वो तुम्हारे साथ आ जाती। तो असल में अगर कोमल भी आ जाती है ना तो अम्मी बिल्कुल अकेली हो जाती है, उन्हें कोई ना कोई तो घर पे चाहिए था ना। अब आप फिक्र ना करें, एक आधे दिन में आ जाएगी ना अम्मी अब्बू के साथ। मुजरिम बनया मैं प्यारे विच, मुजरिम बनया मैं प्यारे विच। दूसरे लफ्जों में आपने मेरा असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया? हाँ। लेकिन क्यों? हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल बकवास था। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने खुद पूरी रिसर्च, तुमने खुद सर्च करके मटेरियल निकाला और उसे बगैर गौर किए असाइनमेंट में कॉपी पेस्ट कर दिया, ये सोचते हुए कि मैम कि तो बहुत लिमिटेड नॉलेज है। वो ये देखने का कहां तरद्दुद करेंगी कि कौन से सोर्स से सर्च किया है। ऐसा ही है ना? देखो, इससे पहले कि इंस्ट्रक्टर्स शायद ऐसी सब स्टैंडर्ड असाइनमेंट्स को एक्सेप्ट करके मार्क्स दे देते होंगे, लेकिन अब ये नहीं होगा। मैं चीजों को मेरिट पे देखने की आती हूँ। नो मैम, आज तक मेरी हर सोच, मेरा हर पॉइंट ऑफ व्यू मेरिट को प्रूव करता हुआ आया है। ये तुम्हारी राय हो सकती है, मेरी नहीं। मेरी अगली क्लास का वक्त हो गया है, यू कैन लीव नाउ। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम, मैं सलमान। ओह अच्छा, आइए आप मेरे ऑफिस में आइए।
क्या कर रही हो तुम यहाँ? अम्मी मैं कपड़े उतारने आई थी यहाँ। नहीं, ये मैं ले लूंगी कपड़े। तुम क्यों लेने आई हो ऊपर? हाँ क्यों? मैं लेने आ जाती ना कपड़े। अम्मी लेकिन चलो मेरे साथ। लेकिन ये कपड़े, चलो मेरे साथ, मैं कह रही हूँ। अम्मी क्या हो गया? कनीज किस लिए? हाँ अम्मी, कनीज लेकर आ जाया करेगी सारी चीजें। क्या हो गया? इसलिए मैंने कनीज को रखा है कि तुम्हें काम करना पड़े। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? इतना टाइम लगता है? हाँ चार कपड़े ही तो नीचे लेकर आने थे। अभी तो ऊपर गई थी। मैंने तुम्हें कितने बार मना किया, ऊपर मेरी इजाजत के बगैर नहीं आओगी तुम, लेकिन तुम होके सुनती नहीं हो। हाँ इतनी ढीट हो गई हो तुम? हाँ क्या करूँ तुम्हारे साथ? बंद कर दो कमरे में, चलो। इसमें थैंक यू की क्या बात है सलमान? आपकी असाइनमेंट हाईएस्ट मार्क्स डिजर्व करती थी और आपको मिल गए। इनफैक्ट मैम ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। पहले कभी हुआ नहीं? आई डोंट अंडरस्टैंड। मेरा मतलब ये है कि मैम इस तरह के नंबर्स तो गिने चुने स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। इट्स द फर्स्ट टाइम फॉर मी। शायद इसलिए कि चंद स्टूडेंट्स के बारे में अज्यूम कर लिया गया है कि सिर्फ वही हार्ड वर्क करते हैं या कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैम, शुरू के एक दो बार के बाद ही वही लोग टॉपर्स अज्यूम कर लिए जाते हैं। तो फिर चाहे वो जो भी करें, जैसा भी काम करें, आंखें बंद करके उन्हें अच्छे मार्क्स अवार्ड कर दिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सीन है। देखें सलमान, शायद कुछ इंस्ट्रक्टर्स का ये क्राइटेरिया या फॉर्मूला रहा हो, लेकिन मैं चीजों को मेरिट पे देखने की आदी हूँ। जी मैम, वो तो नजर आ रहा है। बिलीव मी मैम, जब आप फर्स्ट टाइम हमारी क्लास लेने आई थी तो मेरा दिल कह रहा था यू आर समवन हु इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट, आई एम ऑनर्ड। थैंक यू। थैंक यू वंस अगेन। मैं जानती हूँ खुद तो मैंने संभाले नहीं, औरत की जिंदगी का सफर तो पुले सरात की तरह होता है। थोड़ा सा कदम इधर से उधर हो जाए ना तो आगे खाई गहराइयां और दल दल। बात हुई तुम्हारी मैम गजाला से? हाँ। फिर क्या कहा उन्होंने? क्या प्रॉब्लम था तुम्हारे असाइनमेंट में? कुछ भी नहीं। क्या मतलब? उनके पास अपने पॉइंट्स थे, मेरे पास अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के पॉइंट्स मैच नहीं है। और तुमने ये बात एक्सेप्ट कर ली? ऑब्वियसली उनके पॉइंट ऑफ व्यू को चैलेंज तो नहीं कर सकती थी ना, आफ्टर ऑल शी इज द अथॉरिटी। Hi Zaini. Hi Kamal. How's life? अब चलो मैं तुम दोनों को चाय पिलाता हूँ। Let's go. आ जाओ। चलो। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है फिरोज? मतलब जहाँ भी जब भी हमें देखते हो हमारा रास्ता रोकने आ जाते हो। मतलब क्यों? तुम्हें मुझसे या जैनी से कोई काम है तो बताओ, और अगर नहीं है तो घड़ी घड़ी हमारा हाल क्यों पूछने आ जाते हो? बंदे के जहन में ना 100 बातें चल रही होती है। बंदा किस हाल में, बंदे का क्या मूड है, तुम्हें कोई परवाह नहीं। बस बात बात। हाय कमल, हाय कमल। ओ भाई नहीं है मेरा हाल ठीक, छोड़ दो मेरी जान प्लीज। I'm sorry if I disturb you. ये आज नहीं,
हमेशा ही तुम ऐसे करते हो। मुझे अंदाजा नहीं, सॉरी। चलो जैनी। तुम कहीं जा रहे हो अपने फोटोग्राफी के मनाजिर ढूंढने के लिए? तो कहां जा रहे हो? पता नहीं। ये क्या बात हुई, पता ही नहीं? यही तो बात है, इस फोटोग्राफी के चक्कर में ना सैलानी बनाते हैं। यू नो, जब भी कोई अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करना होता है ना, मैं बाहर जाता हूँ, सफर करता हूँ। कहाँ का सफर? ये मालूम नहीं, बस घर से निकल जाता हूँ और वापस तब आता हूँ जब काम खत्म हो जाए। तो तुम्हारे घर वाले, उन्हें तुम्हारी फिक्र नहीं होती? घर में है कौन नाना के अलावा? हाँ, बस नाना ही है। बाकी तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तो मगर फिर जब तुम इतने दिन नहीं होते हो तो नाना अकेले नहीं हो जाते? अकेले कहा, उनके साथ उनकी किताबें होती हैं, उनका म्यूजिक, सोशल मीडिया, यू नो, ही नेवर फील्स अलोन। लेकिन फिर भी इंसान को एक दूसरे इंसान की, रिश्ते की जरूरत होती है। है उनके पास एक इंसान। कौन? मोहियुद्दीन, छोटा सा था, नाना की तरफ आया था, वहां पे ही बड़ा हुआ है। मेरे जितना होगा या मुझसे थोड़ा सा बड़ा होगा। घर के सारे काम वो करता है, लेकिन मेरा बहुत दिमाग खराब करता है, बहुत कान खाता है। और उसके घर वाले, माँ बाप, भाई बहन? पेरेंट्स उसके नहीं है, और बहन भाई का पता नहीं। तो ये मोहियुद्दीन का भी तुम्हारे वाला ही हाल है। मेरे वाला हाल? मेरे वाला हाल नहीं है, उसके पेरेंट्स मर चुके हैं, और जो मर जाता है ना, उस पे इंसान को सब्र आ जाता है, और जो जिंदा रह के भी आपके लिए मर जाते हैं ना, उसका स्टेटस कुछ और होता है। मैं चलता हूं, खुदा हाफिज।
ये क्या हो रहा है? कमरे की सफाई कर रही थी। कमरे की सफाई करते करते ये सूट तुम्हारे हाथ लग गया? वो वार्डरोब पे रखा हुआ था, सामने रखा हुआ था, नजर आ गया। कवर शायद ये साथ लेके जाना भूल गई थी। कवर साथ ले जाना भूल गई तो तुमने सोचा तुम ट्राई कर लो, इसमें हर्जी क्या है? हाँ, ये बात ऐसे ही ख्याल आया कि मरीजा बाजी की शादी पे पहन लूंगी। ये वही सूट है ना जो उसने नाजिया की शादी के लिए बनवाया था? जी। इतना मना किया है मैंने उसको, ये शोहरंग के कपड़े ना बनवाया करे, लेकिन वो है मनमौजी, अपनी मनमानी करती है हर बात। अब भला देखो, तेरी मेरी शादी में बिन ब्याही हुई लड़कियां ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनी हुई अच्छी लगती है क्या? अरे पहले की बात और थी, लेकिन आजकल की शादियों में ना तो शर्म रही ना हया, लड़के लड़कियां सब एक ही जगह घुसे रहते। जो लड़की जितनी ज्यादा तैयार होती है, सचती बचती है, उतनी नजरें उस पर पड़ती है, और जितनी नजरें उस पर पड़ती है ना, उसके रूप में और नूर में कमी आती जाती है। अब ये बात मैं उससे करूंगी ना, वो एक कान से सुनेगी दूसरे से निकाल देगी, लेकिन तुम अपने को संभाल, मत करो जो वो कर रही है। तुम्हारे बाबा और भाई तो हमेशा से उसकी साइड लेते हैं, स्पॉइल कर दिया है उन्होंने, लेकिन तुम अपने को बचाना चाहती हो तो बचा लो। और हाँ, ये 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 कपड़े मैं कनीस को दे दूंगी, उसकी बहन के जहेज के काम आएंगे। ऐसा लग ही नहीं रहा कोई शादी के गाने गा रहे, जोर लगाओ जरा, ये रखना जरा। नतीदे तुम सारी चीजें खा जाते हो, इसको ना संभाल के रखना, सही है? अब फूफो वो मुनजा पकाएं, अभी तक नहीं आई, कब उन्हें कहा था? आप में से कोई नहीं लेने गया? मैं भी लेके आती हूँ उन्हें। वाकई अगर कमल ना आती ना तो इस घर में रौनक ही नहीं होनी थी, ये घर शादी वाला लगते ही ना। शुक्र करे माँ बाप से जिद करके आ गई, मैं तो हैरान हूँ कि अभी तक सालिहा भाभी ने सबर कैसे किया, वापस क्यों नहीं बुलवा भेजा? मैं तो जैसे भेज ही देती। वैसे एक बात कहूँ, कमल की सूरत में ना सालिहा भाभी ने ना अपने तोड़ पैदा कर लिया है। हाँ ये तो है। मुजरिम बनया मैं प्यारे विच, मुजरिम बनया मैं प्यारे विच। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।